हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट दिस इज अनुज कुमार वर्मा योर कंप्यूटर टीचर सो स्टूडेंट इट्स अ मैराथन सेशन और इट्स अ तो इट्स अ लॉन्ग सेशन बिकॉज इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर वन एंड टू सो स्टूडेंट यू ऑल ऑफ यू वॉच वेरी अटेंटिवली टिल द लास्ट सो स्टूडेंट आपको क्या करना है आपको मैं जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है ये आपका चैप्टर वन और टू का कम्बाइन सेशन होगा ये आपका रिवीजन सेशन है साथ में इसके साथ में आपको क्या होगा आपकी जो एक्सरसाइज हैं उनको भी रिवाइज करने का इसमें कुछ कंटेंट मैंने इंक्लूड किया है तो उसको आपको क्या करना है लास्ट तक देखना है और अगर किसी भी तरीके को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लाइव चैट में मैसेज करके उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर वन एंड टू वन वन और टू दोनों दोनों चैप्टर्स का हम लोग क्या करेंगे कंबाइन सेशन अटैम्प्ट करेंगे आज बिकॉज आपके एग्जाम्स क्या हैं एग्जाम्स बहुत पास में हैं तो आपका रिविज़न होना भी बहुत ज़रूरी है ओके सो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे और अगर आपका कोई भी डाउट सेशन रहता है या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू अपने आंसर्स को अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं देन मैं आपको लाइव चैट के थ्रू ही आपके आंसर्स को आपको रिप्लाई कर दूंगा ओके okay? तो स्टूडेंट होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अगर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे तुरंत पूछिएगा और कोशिश करिएगा कोशिश नहीं है आपको पूरा ही वीडियो देखना है ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया है और आपको पूरा फुल अटेंशन से इसको देखना है बिकॉज जिससे कि आप क्या करें अपने जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आप उनको प्रॉपरली अटैम कर सकें अच्छे तरीके से तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन योर फर्स्ट चैप्टर इज लेटर्स रिवाइज इस चैप्टर में हमने रिवीजन किया था पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं बट हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे जिससे क्या होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सकेगी सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ गुड फ्रेंड कंप्यूटर को हमारा गुड फ्रेंड बोला जाता है अच्छा दोस्त बोला जाता है क्यों क्योंकि कंप्यूटर हमें कई तरीके से हेल्प करता है सो कंप्यूटर इज आवर गुड फ्रेंड बिकॉज़ क्यों कंप्यूटर हमारा गुड फ्रेंड है अच्छा दोस्त क्यों है कंप्यूटर हमारे लिए तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर हमारा दोस्त क्यों है और अच्छा दोस्त क्यों है बिकॉज इट works फास्ट कंप्यूटर कैसे काम करता है बहुत तेजी से काम करता है मीन्स जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करता है देन क्या है इट never गेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर और क्या करता है ये कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करते हैं उसको कभी भी नहीं भूलता या फिर कभी भी फॉकेट नहीं करता या फिर जो भी आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है जो भी आपका वर्क था या फिर जो भी आपने चीज़ों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया था सेव किया था वो एज यूजली वैसे ही रहेगा वैसे ही सेव हो जाएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आगे कभी भी आपको उसकी नीड हो तो आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं इट इज यूजुअली डज नॉट मेक एनी मिस्टेक अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता कंप्यूटर नेवर मेक अ सिंगल मिस्टेक कभी भी कंप्यूटर सिंगल मिस्टेक नहीं करेगा एंड इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड इट वर्क ऑन योर कमांड और कभी भी उसे थकान महसूस नहीं होगी और जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे जो भी हम ह्यूमन बींग्स इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो भी इंसान हम लोग जो हैं सपोज़ आई एम अ कंप्यूटर टीचर इफ़ आई एम गिविंग अ सिंपल कमांड अगर मैंने सपोज आपकी डेट शीट को बनाया है तो डेट शीट को बनाने के डरेशन में अगर मैंने कोई भी कमांड दी है कंप्यूटर सिस्टम को तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा सपोज मैंने कहा कि आपका फर्स्ट पेपर ट्वेल्थ को है तो ट्वेल्थ को अगर मैंने आपका एस का एग्ज़ाम रखा है देन क्या होगा एस एस टी सब्जेक्ट को ही वो मुझे एक्सेल की शैल में या फिर जहाँ पे भी मैं आपका जो टाइपिंग वर्क है वो कर रहा हूँ मुझे वहीं पे शो कराएगा ओके सो स्टूडेंट अगर मिस्टेक की बात करें तो क्या है कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता अगर बात करें कंप्यूटर पे हम कितनी देर काम कर सकते हैं तो सिंपली वी कैन से ट्वेंटी फोर इंटू सेवन यानि कि सात दिन होते हैं हमारे संडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सन्डे अगर टोटल इंक्लूड करें सेवन डेज होते हैं और ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं हमारे डे एंड नाइट को इंक्लूड करके तो कंप्यूटर के लिए सेवन इंटू ट्वेंटी फोर या बोल सकते हैं कि चौबीस घंटे हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं बट अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग को क्या चाहिए एक रिलैक्सेशन चाहिए कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा रेस्ट करेगा रेस्ट करने के बाद क्या करेगा वो अपने वर्क को कंटिन्यू कर पाएगा अगर ह्यूमन बींग को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा ह्यूमन बींग मिस्टेक करना स्टार्ट कर देगा तो इसीलिए क्या है ह्यूमन बीइंग लिए रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग मेक्स अ मिस्टेक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग तो क्या हो जाएगा कंप्यूटर ह्यूमन बींग में डिफरेंस क्या है कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता है और ह्यूमन बींग मिस्टेक करते हैं सिंपली वी कैन से कंप्यूटर डजेंट मेक एनी मिस्टेक बट ह्यूमन बींग मेक समटाइम्स मेक अ मिस्टेक्स एंड ह्यूमन बींग हैविंग ओन डिसीजन पावर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास खुद का डिसीजन लेने की पावर होती है बट कंप्यूटर में खुद से डिसीजन लेने की कोई भी पावर नहीं होती है बिकॉज इट वर्क्स ऑन कमांड जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही वो वर्क करेगा उसी कमांड के अकॉर्डिंग सो इट इज ऑल्सो कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर को साथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोला गया बिकॉज इट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल टास्क अगर इलेक्ट्रिसिटी ना मिले कंप्यूटर को चलाने के लिए लाइट ना मिले तो लाइट के बिना क्या है कंप्यूटर किसी भी काम को नहीं कर पाएगा सिंपली ऑन भी नहीं होगा जिससे कि हम उसको ऑन करके किसी भी काम को कर सकें सो सिंपली अगर बात करें तो क्या है बेसिकली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है आई होप यहाँ तक की बात स्टूडेंट क्लियर हुई होगी तो अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो मुझे आप लाइव चैट में फटाफट से क्वेश्चन करिए मैं आपका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा ओके okay? और सेशन को पूरा कंप्लीटली देखिएगा बिकॉज़ आप अगर यहाँ से सारी चीजें समझ के जाएंगे तो आप क्या करेंगे आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे प्रॉपर और आप अपने आंसर्स को दे पाएंगे आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बेसिकली अगर पार्ट्स की बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं मल्टीपल पार्ट्स हैं तो कंप्यूटर की बात करें तो उसमें मल्टीपल पार्ट्स कौन कौन से मेन पार्ट्स की बात करेंगे तो कीबोर्ड है माउस है सीपीयू है प्रिंटर स्पीकर माइक तो अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो क्या है मॉनिटर है सीपीयू है कीबोर्ड है माउस है एंड एक यूपीएस भी होता है जो इस पिक्चर में आपको नहीं दिया है यूपीएस जिसको हम अनइंटरप्रेड पावर सप्लाई बोलते हैं जिसको पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अगर लाइट हमारी चली जाती है तो लाइट जाने के लिए जाने के बाद अप्रॉक्स फिफ्टीन और टेन मिनट्स हम अपने वर्क को कंटिन्यूसली कर सकते हैं अपने डेटा को सेव कर सकते हैं इजीली अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए हम यू का यूज़ करते हैं तो यूपीएस का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है यू पी एस फॉर अनइटरप्टेड पावर सप्लाई एंड इट इज़ यूज टू बैटरी बैकअप और पावर बैकअप पावर के बैकअप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट फड़ से आंसर सेंड करिए कि मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेम दिनके मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के नेम आप मुझे सेंड करिए अपने उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे यूजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे ठीक है बहुत बढ़िया फटाफट फड़ से सेंड करिए अपने सारे आंसर्स और कंटिन्यूसली सेशन को देखते रहिए जिससे क्या है आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और आप अच्छे से चीजों को समझ सकें कोशिश कर रहा हूं कि आप बेटर तरीके से समझ सकें अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे बताइए मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा ओके वेरी गुड वेल डन वेल डन राइट आंसर्स नाउ योर क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ कंप्यूटर अगर कंप्यूटर की यूजेज की बात करें तो क्या है यूज कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन एंड यूज फॉर वेरियस purposes लाइक कलरिंग ड्राॅइंग लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून राइटिंग लेटर essay. स्टूडेंट अगर बात करें कि कंप्यूटर के बेसिकली यूजेज क्या हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है उस वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर हम बात करें ड्राॅइंग करने के लिए तो कंप्यूटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेंट प्रोग्राम वी कैन ड्रॉ सिंपल स्टेप्स वी शुड फॉलो सिंपल स्टेप्स एंड वी केन ड्रा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरीज और एनी अदर मॉड्यूल अगर हम कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ड्राॅइंग टूल्स को यूज़ करके उसमें कलर को हम फिल कर सकते हैं नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूजिक म्यूज़िक को सुनने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स मूवीज़ को देखने के लिए कार्टून्स को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग अपने फेवरेट कार्टून देखते होंगे तो उन कार्टून्स को देखने के लिए पिक्चर्स को देखने के लिए फोटोज़ को देखने के लिए या फिर अपने फेवरेट मूवी को देखने के लिए आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं राइटिंग लेटर्स ऐसे और एप्लीकेशंस आपको अगर ऐसे राइट करना है एप्लीकेशन राइट करना है तो विद द हेल्प ऑफ सिंपली प्रेसिंग द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड की बोर्ड की को प्रेस करेंगे और हमारा क्या होगा जो भी हम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं या जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होगा और हम कीबोर्ड के थ्रू अपना राइटिंग वर्क भी कम्प्लीट कर लेंगे आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी सो so स्टूडेंट मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है मीन्स आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है जो आप टेलीविजन पर देखते हैं या आपको कौन सी ड्राइंग करना पसंद है वो मुझे आप फटाफट से लाइव चैट में आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डूइंग सम्स एंड प्लेइंग गेम्स एंड एंटरटेनमेंट अगर स्टूडेंट हमें कोई भी सम्स करने हैं या फिर हमें कोई भी अपना कैलकुलेशन का वर्क करना है कैलकुलेशन मीन्स एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का अगर हमें कोई वर्क करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली कैलकुलेटर से हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डूइंग सम्स एंड प्लेइंग गेम्स एंड एंटरटेनमेंट और अगर हमें अपना कोई गेम खेलना है तो हम उस गेम को भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर खेल सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ प्लेइंग गेम्स विद द हेल्प ऑफ वॉचिंग आर फेवरेट कार्टून करेक्टर्स और वॉचिंग फेवरेट मूवी अगर आपको मूवी देखना है या फिर कुछ भी जो भी आपका एंटरटेनमेंट मीन्स बेसिकली होता है जो आप जिसको आप करने से जिसको आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो वो सारे एंटरटेनमेंट में आते हैं अब वो चाहे कोई भी गेम हो सकता है या फिर आपका कोई भी फेवरेट कार्टून करेक्टर्स हो सकता है नाउ कंप्यूटर इज़ यूज एवरी वेयर इन द वर्ल्ड लाइक एडुकेशन इंटरटेनमेंट बैंकिंग मेडिकल फील्ड ऑफिस एजुकेशन के मामले में फिर एडुकेशन की बात करें तो स्टडी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है स्टूडेंट अभी आप क्या कर सकते हैं अभी जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और आप उन चीज़ों को समझने के बाद क्या करें अपनी जो लाइफ है या फिर अपने जो भी आप जो भी आपको चीज़ें अचीव करके या फिर जो भी आप एग्ज़ाम को परफॉर्म करना है या फिर उन चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंडिंग करनी है या फिर इंटरेट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं या फिर नई नई चीज़ें जैसे आप सेकेंड फर्स्ट क्लास में थे अब सेकेंड में आ गए हैं तो आप सेकेंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ रहे हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने कुछ और पढ़ा था तो धीरे धीरे क्या हो रहा है प्रोग्रेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट इज़ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट मैंने अभी बताया आपको स्टूडेंट इंटरटेनमेंट वो होता है जिसको आप करने से आपको खुशी मिलती है अच्छा फील होता है वो इंटरटेनमेंट में आता है चाहे वो आपका कोई भी गेम हो गया या फिर आपका कोई भी कार्टून करेक्टर या फेवरेट मूवी हो गई बैंकिंग में बैंकिंग bank, में बेसिकली अगर बात करें तो बैंकिंग में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है पैसे जमा करने के लिए पैसे निकालने के लिए डेबिट और क्रेडिट जिसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए और सारे बैंक डिटेल्स अबाउट अ कस्टमर जो भी कस्टमर्स के अकाउंट हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स हैं वो सारे बैंक के बैंक के अंदर स्टोर होते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट है मेडिकल फील्ड में मेडिकल फील्ड में अगर डिसीज है किसी को कोई बीमारी है उसको चेक करने के लिए पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पेशेंट की प्रोग्रेस क्या है उसको देखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होता है और बेसिकली ऑफिसज में भी बहुत सारा यूज़ होता है ऑफिस की अगर बात करें तो क्या है स्कूल में फ़ीस सबमिशन के लिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है एडमिशन कब लिया है फादर्स नेम क्या है मदर्स नेम क्या है और लोकेशन कहाँ है कहाँ का रहने वाला है किस डेट में एडमिशन लिया है तो ये सारे डिटेल्स ऑफिस में हो सकते हैं जो कि स्कूल ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं बाकी अदर ऑफिस में भी अकॉर्डिंग टू नीड दे विल डू आवर वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम राइट right? स्टूडेंट अगर यहां तक की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फिर आगे बढ़ेंगे यहां तक की कोई समस्या हो तो बताइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे फिर बेसिकली स्टूडेंट टेल मी एनी फाइव प्लेसेस वेयर यू हैव सीन कंप्यूटर्स स्टूडेंट कोई फाइव प्लेसेस के नेम बताइए जहां पे आपने कंप्यूटर सिस्टम को देखा है चाहे वो कोई सी भी जगह हो जहां पे कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं सिंपली यू टेल मी एनी फाइव प्लेसेस नेम और फाइव प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड

वेरी गुड नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइसिस की बात करेंगे अब स्टोरेज डिवाइसिस क्या होती हैं वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट वेर स्टोरेज डिवाइसिस इन योर कंप्यूटर यू हैव ऑलरेडी सीन द फॉलोइंग स्टोरेज प्लेसेज एट योर होम सेम एज योर स्टोरेज प्लेस अ कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ स्टोरेज एरिया वेयर वी

बैग की बात करें तो अपना लंच बॉक्स क्या है लंच बॉक्स है जिसमें हम क्या करते हैं अपना फेवरेट फूड रखते हैं जो हमें पसंद होता है उस लंच बॉक्स में हम रखते हैं एंड बैग फॉर बुक्स बुक्स का भी यूज करते हैं बैग क्या है बैग हमारे लिए स्टोरेज डिवाइस का, का काम करेगा और लंच बॉक्स भी हमारे लिए स्टोरेज डिवाइस का, का काम करेगा ओके okay? सो स्टूडेंट फेवरेट लंच बॉक्स आपका पैक हो चुका है अगर किसी को भूख लगी हो तो वो खा सकता है ओके okay. आगे बढ़ें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस देखते हैं कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं फर्स्ट है माइक्रो एस कार्ड जिसको चिप बोलते हैं बेसिकली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव है जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम बाहर से भी अलग से अटैच कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क होती है एक्सटर्नल इंटरनल हार्ड ड्राइव होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है फ्लैश ड्राइव होता है इसको पेन ड्राइव बोलते हैं तो ये सब क्या है स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर करके किसी दूसरे सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं मतलब आपके एक कंप्यूटर में सपोज़ मेरे पास जो कंप्यूटर है मैंने उसमें कोई भी वर्क किया फिर मैं स्कूल गया तो मैंने आपका क्या किया सपोज़ मैंने पेपर अपने घर पर बनाए फिर बनाने के बाद मैंने क्या किया स्कूल गया वहाँ पर मैंने दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में लगा के फिर उसको प्रिंट कर लिया प्रिंट करने के बाद मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या है ये सब क्या है सारा स्टोरेज डिवाइसेस का काम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के पर अपने डेटा को पहुंचा सकते हैं इजीली वे में और इजी वे में के इजी वे के साथ साथ क्या है अपने डेटा को सही तरीके से दूसरे तक ट्रांसफर कर सकते हैं सो सम ऑफ द पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सी मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा ये क्या है टूल विद यू कैन ड्रॉ इन कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर में अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पेंट प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके बाद हम पेंट टूल्स को यूज करेंगे चाहे वो बकेट टूल हो गया टेक्स टूल हो गया या फिर लाइन टूल हो गया या फिर जो उसमें शेप टूल्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करेंगे किसी भी एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे फिर उसमें क्या करेंगे अपने कलर्स को फिल कर देंगे ओके okay? तो बेसिकली पेंट टूल का यूज़ करते हैं हम अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट अब मुझे आप क्या करिए लाइव चार्ट में एनी टू स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट्स यू सेंड मी एनी थ्री स्टोरेज डिवाइसेस नेम किसी थ्री स्टोरेज डिवाइसेस के नेम सेंड करिए जो थ्री स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली हैं कोई भी सेंड कर दीजिए जो, जो भी आपको पता है या फिर आपने अभी जो पढ़ा है उसमें से किन्नी थ्री स्टोरेज डिवाइसेस के नेम मुझे लाइव चैट में सेंड करिए फिर आगे बढ़ेंगे जिससे मुझे ये पता चले कि आपको अभी तक कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोबारा से समझा सकता हूँ अभी तुरंत स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं जैसे स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं की है आपका तो की में बेसिकली अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं अल्फ़ाबेट मीन्स ए टू जेड यानी कि ए टू जेड कितने होते हैं ए टू जेड हमारे पास टोटल ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अगर नंबर कीज़ की बात करें तो ज़ीरो टू नाइन टोटल टेन कीज़ होती हैं बाकी फंक्शनल कीज़ आपके पास होती हैं एफ़ वन टू एफ़ ट्वेल्व जो इस कीबोर्ड में टॉप पे होती हैं यहाँ पे एंड और भी कई सारी कीज़ होती हैं स्पेशल कीज़ तो ये बेसिक बेसिक बात हुई कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं तो कंफ्यूज़ मत अप्रॉक्स टू हंड्रेड वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड थ्री और वन हंड्रेड सेवन कीज़ के भी कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं ये मॉनिटर स्टूडेंट्स मोनीटर्स आर डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर को हम डिस्प्ले करने के लिए देखते हैं जैसे मॉनिटर में अगर आपने कोई भी पिक्चर ड्रॉ की है या फिर आपने विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड किसी की भी पिक्चर को डिजाइन किया है तो आपको क्या होगा इस स्क्रीन पे शो करेगा तो ये क्या है मॉनिटर इज़ अ इज एन आउटपुट डिवाइस ये मॉनिटर की टाइप हैं गेम और ये नॉर्मल माउस की बात करें तो माउस में बेसिकली क्या होते हैं थ्री बटनस होते हैं स्क्रॉल व्हील होती है अगर टू बटन्स हैं तो एक स्क्रॉल व्हील होगा बेसिकली क्या है ये लेफ्ट माउस बटन है और ये राइट माउस बटन है ओके okay? और ये वायर होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं इस माउस को तो ये क्या है माउस में थ्री टू माउस बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसको हम पेज अप एंड डाउन के लिए यूज़ करते हैं माउस के टाइप्स हैं कुछ ये स्टूडेंट यूपीएस होता है विद द हेल्प ऑफ यूपीएस क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं अपने डेटा को अगर हमें लाइट चली जाती है एकदम लाइट जाने के बाद क्या होता है ये यू क्या करता है पावर सप्लाई का काम करता है कुछ देर तक अप्रॉक्स टेन और फिफ्टीन मिनट्स वी कैन डू आवर वर्क और वी कैन सेव आवर वर्क करने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं अदरवाइज़ क्या होगा लाइट अगर एकदम ब्लम कर गई एकदम चली गई तो क्या होगा जो भी हमारा काम किया हुआ है वो सारा क्या होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा डैमेज हो जाएगा फाइल रिमूव हो जाएगी वहाँ से प्रिंटर्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स प्रिंटर का यूज़ प्रिंटिंग के लिए होता है प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं और जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है कॉपी यानी कि जो हम देखते हैं मॉनिटर के स्क्रीन पे वो क्या होता है सॉफ्ट कॉपी होता है कुछ टाइप्स है yes, है. है. हैं प्रिंटर के ये स्टूडेंट हैं स्पीकर्स बेसिकली आउटपुट डिवाइस हैं स्पीकर लाउड म्यूजिक के लिए हम इनका यूज़ करते हैं दिस इज अ माइक्रोफोन माइक्रोफोन को हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं तो माइक्रोफोन का यूज़ हम माइक्रोफोन से बेसिकली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं आई होप स्टूडेंट ये कुछ डिवाइस जो मैंने बताई है, हैं बहुत यूज़फुल हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो कि आपके मेन पार्ट्स में थे तो मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर में हमारा क्या है मेन पार्ट के बारे में या फिर कंप्यूटर इज अ मशीन और कंप्यूटर एज अ मशीन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है एक मशीन है ओके सो द लर्निंग आउटकम्स आर हेयर वी विल लर्न अबाउट वॉट इज अ मशीन मशीन्स क्या होते हैं एंड कंप्यूटर एज अ मशीन राइट सो लेट अस स्टार्ट अगेन और नेक्स्ट टॉपिक्स आई होप यू अंडरस्टूड चैप्टर वन चैप्टर वन आपने अच्छे से समझ लिया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप लाइव चैट में मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं मैं आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ तुरंत ओके चिल्ड्रन इन आर डे बाई डे लाइफ वी फाइंड मैनी मशीन्स अराउंड अस स्टूडेंट्स अपने घरों में देखा होगा या फिर आप जब स्कूल के लिए निकलते हैं या फिर आप कभी मार्केट में जाते हैं या फिर कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कई तरीके की मशीन्स को आपने देखा होगा ओके सो स्टूडेंट मुझे पहले तो आप ये करिए कमेंट सेक्शन में मुझे लाइव चैट में फटाफट से ये बताइए कि आपने कौन कौन सी मशीन घर में देखी हैं या हाउ मैनी मशीन्स यू हैव सीन एट योर होम ओके विच मशीन यू हैव सीन एट योर होम आपने कौन कौन सी मशीन्स को आपने घर में देखा है अब वो मशीन कैसी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है या फिर किसी और चीज़ से चलने वाली है बेसिकली जो मशीन्स हैं वो किसी ना किसी चीज़ से जरूर चलती हैं चाहे वो फ्यूल बेस्ड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो ओके सेंड करिए स्टूडेंट्स उसके बाद आगे पढ़ते हैं ओके okay. गुड ठीक है फटाफट से भेज दीजिए वन टू जितने भी आपके पास जितने भी आपको मशीन्स के नेम याद हों बेसिकली अप्रॉक्स ज़्यादातर तो मशीनें आपके घर में होंगी चाहे वो आपका फ़ैन हो गया वॉशिंग मशीन हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया जूसर हो गया मिक्सर हो गया ओके okay? या फिर हमारा मोटर जो हम बेसिकली पानी को चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं या टैंक को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं ओके okay. तो ये सब क्या है बेसिकली ये मशीन्स हैं ये आपके घर में हैं आप इनके नेम को मुझे सेंड कर सकते थे नेक्स्ट अ मशीन इज मेड मैन मेड थिंग यानी कि मशीन को किसने बनाया है इंसानों ने बनाया है फिर मशीन मेड बाय ह्यूमन बींग दिस मशीन आर यूज बाय अस इन सम वेज और द अदर मशीन इन मशीन्स को हम क्या करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं या फिर कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन की अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन को हम कपड़े धुलने के लिए यूज़ करते हैं और अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में हम अपने जो फूड है फूड प्रोडक्ट को उनको फ्रेश रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं द मेक आवर वर्क ईजियर एंड सिंपलर बेसिकली जो मशीन्स हैं वो हमारे काम को आसान कर देती हैं और दूसरा क्या करते हैं किसी भी काम को जल्दी कर देते हैं अगर मशीन की बात करें अगर आपको ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव क्लॉथ्स को वॉश करना है तो कि आप क्या करेंगे वॉशिंग मशीन में इजीली आप धुल सकते हैं अपने मशीन में क्या डाला सर्फ डाल दिया या वॉशिंग पाउडर डाल दिया वॉशिंग पाउडर डालने के बाद आपने उसको चला दिया उसमें आपने कुछ कपड़े डाल दिए वो अपने आप वॉश हो रहे हैं तब तक आप क्या कर सकते हैं किसी और भी काम को कर सकते हैं अदरवाइज अगर मशीन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे अपने हैंड्स का यूज़ करेंगे ओके okay? तो नीचे देखते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू लुक एट द पिक्चर बिलो एंड टिक मशीन यू है तो आप उन पे टिक करेंगे और अगर नहीं देखा है तो आप उनप कुछ भी नहीं करेंगे Student, की बात तो मैंने तो देखा है आपने भी देखा होगा बेसिकली रेफ्रिजरेटर इज यूज टू कीप आवर फूड और थिंग्स टू मेक फ्रेश रेफ्रिजरेटर में हम उन चीज़ों को रखते हैं जो हमें क्या चाहिए ताज़ी चाहिए या फिर ताजी रहें या फिर ख़राब ना हो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में उसको रखते हैं दूसरा क्या है रेफ्रिजरेटर में हम चिल्ड वाटर को भी यूज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर से जो हम आइस क्यूब्स को यूज़ करते हैं वो भी हमें रेफ्रिजरेटर के थ्रू मिलते हैं टेलीविज़न भी देखा है मैंने स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा अगर आपने देखा है तो आप टेलीविज़न लिख के मुझे सेंड करिए टेलीविज़न देन वॉशिंग मशीन भी देखा होगा टेलीविज़न में हम क्या करते हैं टेलीविज़न बेसिकली हम अपने फेवरेट कार्टून्स को देखते हैं या फिर अपने मूवीज़ को देखते हैं जो भी हमारी फेवरेट मूवीज़ होती हैं वॉशिंग मशीन टू वॉश आवर क्लॉथ्स कपड़े धुलने के लिए यूज़ करते हैं मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर यानी कि जूस बनाने के लिए या फिर आप अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर को जूस बनाने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेटर कैलकुलेटर क्य हम घरों में कैलकुलेशन जैसे हिसाब अगर जोड़ना हो किसी चीज़ का कि सब्जी कितने की आई या किसी को पेमेंट आपने किया तो पेमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे आप उसी को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आयरन हम बेसिकली आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं टू आयरन द क्लॉथ्स कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं आयरन का आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी एंड दिज ऑल मशीन्स रन बाई इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कैलकुलेटर को छोड़ के बाकी सारी मशीन्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं इसको हम सेल से भी यूज कर सकते हैं या फिर चार्जिंग चार्जेबल बैटरीज होती हैं इसमें जो चार्ज कर देते हैं इसको तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से बाकी सारी चलती हैं अगर कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है बट इट्स परफॉर्म अ इलेक्ट्रॉनिकली वर्क नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन मशीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या विशेषताएँ होती हैं मशीन में फिर मशीन में क्या विशेषता होती, so, होती है हम उसको देखेंगे सो हेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मशीन में होती हैं दे नीड फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी टू रन कोई भी मशीन है तो उसको फ्यूल यानी कि ईंधन की जरूरत पड़ेगी ईंधन का मीन्स क्या है अगर बाइक यूज़ करेंगे तो उसमें पेट्रोल पड़ेगा फोर व्हीलर यूज़ करेंगे तो उसमें पेट्रोल या फिर डीजल पड़ेगा अगर हम सीएनजी यूज़ करते हैं या फिर जिसमें गैस की किट लगी होती है जिन गाड़ियों में उनमें हमें फ्यूल के तौर पे क्या यूज़ करना पड़ेगा सी एन जी यूज़ करनी पड़ेगी मीनस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ करना पड़ेगा या फिर एल पी जी भी उसमें यूज कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है और इलेक्ट्रिसिटी डोडन या फिर कुछ मशीन ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी से ही हम चला सकते हैं जैसे फैन हैं घरों में जो फैन होते हैं उसमें हमें तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है या फिर वॉशिंग मशीन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया इन सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है चलने के लिए नेक्स्ट है नेवर गेट टायर्ड मीन्स मशीन नेवर गेट टायर्ड जो मशीन होती है वो कभी भी थकान महसूस नहीं करती है मैंने आपको अभी जस्ट बताया था जो मशीन है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकती हैं बिना रुके हुए नेक्स्ट पॉइंट है दे डू वर्क वेरी फास्ट जो मशीन है वो किसी भी काम को बहुत तेजी से करते हैं विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए लगातार काम करती रहती है बिकॉज क्योंकि वो थकान नहीं महसूस करती मशीन कभी थकती नहीं है तो इसलिए क्या है वो अपने वर्क को जिस भी मोशन में जितने भी स्पीड पे आपने लगा दिया तो कंटिन्यूसली उतने पे ही चलती रहेगी नेक्स्ट दे डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स अगर फीलिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स तो so क्या है कि जैसे मशीन है तो उसको गर्मी नहीं लगेगी या फिर मशीन है तो उसको भूख प्यास या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि जो मशीन आपसे बोले कि नहीं मुझे मैं कपड़े वॉश तभी करूँगी अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो कि मुझे दो रोटी या फिर समोसे स्पेशल जो भी उसका डिश है वो दिला के देंगे तब वो चलेगी ऐसा नहीं कहेगी तो मशीन है मशीन क्या होगा दे डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स मशीन में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं इफ़ यू गिव अ कमांड इफ़ यू गिव अ इंस्ट्रक्शन देन अकॉर्डिंग टू देर इंस्ट्रक्शन दे विल डू ओके तो जो भी है जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही मशीन वर्क करेगी नेक्स्ट है थे गिव करेक्ट रिजल्ट जो मशीन है वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट देते हैं कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं, कभी भी गलतियां नहीं करते हैं अगर ह्यूमन बींग ने कोई मिस्टेक की है तो तब हमारा क्या होगा रिजल्ट रॉन्ग आएगा बट इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ मशीन मशीन की कोई गलती नहीं होगी उसमें अगर मैंने ही इंस्ट्रक्शन गलत दे दिए हैं तो क्या होगा उस टाइम पे मेरी मिस्टेक है ना कि मशीन की नेक्स्ट है इट नेवर गेट्स टायर्ड मशीन को कभी भी थकान महसूस नहीं होती स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट से कोई टू कैरेक्टरिस्टिक्स सेंड करिए जो आपको अभी समझ में आई अच्छे से कि बेसिकली टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो मशीन में होती है मीन्स कौन सी दो विशेषताएं जो मशीन में होती हैं ह्यूमन बींग में नहीं होती हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन वॉच वी कैन वॉच मूवीज वीडियोज एंड लिसन टू म्यूजिक मीन्स अगर कंप्यूटर की बात कहें तो कंप्यूटर पर हम अपनी मूवीज़ को भी देख सकते हैं वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं सो कंप्यूटर ऑल्सो रन ऑन एलेक्ट्रिसिटी सो इट इज़ ऑल्सो मशीन कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन एज़ इट कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोट कंप्यूटर की अगर बात करें तो क्या है कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है कंप्यूटर भी एक मशीन है लेकिन कंप्यूटर कैसी मशीन है स्मार्ट मशीन है क्यों स्मार्ट मशीन है क्योंकि कंप्यूटर में क्या है वो एक साथ में कई सारे काम कर सकता है अगर आपने क्या किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में सॉन्ग प्ले किए तो सॉन्ग प्ले कर देगा आपका सॉन्ग भी बज रहा है फिर आपने गेम भी खेलना स्टार्ट कर दिया गेम भी चलते रहेंगे फिर आपने कहा कि अगर हमारा एक अगर हमें किसी फ्रेंड को मेल करना है या अगर हमें अपने फ्रेंड को या किसी भी गेम को दोबारा डाउनलोड करना है या फिर किसी पेंटिंग को ड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हो पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं तो वो सारे वर्क एक साथ में कर सकता है सो दैट्स वाई इट इज नोन एज मल्टी और मल्टीपल टास्क कंप्लीटिंग एट अ सेम टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड यानी कि बिना थके हुए बिना परेशान हुए

ये किसका काम है स्टोरेज का काम है एक्यूरेसी का में क्या होता है बिल्कुल सही से रिजल्ट देना मैन क्या करता है आई कैन मेक मिस्टेक्स यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं जो इंसान है वो गलतियां कर देते हैं कभी कभी गलतियां हो जाती हैं पता नहीं चलता एडिशन में या फिर किसी और चीज में भी सॉरी आई नेवर मेक मिस्टेक्स कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स कंप्यूटर कभी भी गलतियां नहीं करता है और एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है थर्ड पॉइंट है आई मेक माय ओन डिसीज़न मीन्स ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो उनके खुद के डिसीजंस होते हैं अगर आपका डिसीजन है कि नहीं आज मैं पूरी वीडियो देख के उसके बाद ही जाऊंगा या फिर मुझे आज दो चैप्टर पढ़ने हैं ठीक है ठीके? तो आपका डिसीज़न है बट कंप्यूटर में कोई भी डिसीजन की पावर नहीं होती वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है जैसा भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा ओके नेक्स्ट आई नीड मोर टाइम टू कम्प्लीट द वर्क ह्यूमन बींग को ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को कम्प्लीट करने के लिए बट कंप्यूटर को क्या होता है ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट वर्क वेरी फास्ट कंप्यूटर कैसे काम करता है बहुत जल्दी काम करता है इसलिए उसको टाइम की कम जरूरत पड़ती है एज कंपेयर्ड एज ह्यूमन बींग वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑल्सो अगर कैलकुलेशन की बात करें या फिर किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की बात करें तो क्या होगा कंप्यूटर उस चीज़ को जल्दी कर देगा ह्यूमन के कंपेरिजन में नेक्स्ट है आई हैव फीलिंग्स कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है ह्यूमन बींग के पास क्या फीलिंग है सपोज आप मेरे पास आए मैं क्लास में था मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपका वर्क क्यों नहीं कम्प्लीट हुआ आपने बहाना बना दिया कि सर मेरे सिर में दर्द था या मैं बाहर गया था कुछ भी वट एवर बट तो मैं मैं क्या करूँगा आपकी फीलिंग्स को समझ के मैं कह दूंगा ठीक है आप अपना वर्क कंप्लीट करिए उसके बाद मुझे चेक कराइएगा बट कंप्यूटर में क्या है कंप्यूटर में इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं है आप अगर इमोशनल भी हैं इमोशनल भी हैं अगर आप रो रहे हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के फिर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसको कोई भी फीलिंग नहीं है वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप चुप हो जाइए मैं आप, आपका सारा काम खुद कंप्लीट कर दूंगा ओके okay? तो बेसिकली क्या है कंप्यूटर्स में कोई भी फीलिंग नहीं होती है ह्यूमन बींग्स में फीलिंग होती है ओके okay? एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं कंप्यूटर क्या करता है ह्यूमन बींग चीज़ों को भूल जाते हैं बट कंप्यूटर कभी नहीं भूलता है ह्यूमन बींग्स मिस्टेक करते हैं कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है ह्यूमन बींग्स के खुद के डिसीजनस होते हैं कंप्यूटर के डिसीजन नहीं ले पाता है अभी कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं, ले नहीं लेता है डिसीजन उसके जो भी यूज़र होते हैं मिस जो उस पर काम करता है वो डिसीजन लेते हैं ह्यूमन बींग को ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है काम करने के लिए और कंप्यूटर को कम काम कंप्यूटर को कम टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए ह्यूमन बींग्स में फीलिंग होती है और कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती है आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट से मैसेज करके सेंड करिए कि सर आई अंडरस्टूड अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप लाइव चैट में मुझे मैसेज करिए सर आई अंडरस्टूड उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइजिस को देखेंगे बेसिकली चलिए स्टूडेंट्स सब एक्सरसाइज कर लेते हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे बिकॉज एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हेल्प रहेगी इससे कंप्यूटर रन्स ऑन कंप्यूटर किस पर रन करता है मीन्स किसके थ्रू रन करता है इलेक्ट्रिसिटी से फ्यूल से या फिर फूड से कंप्यूटर को हमें फ्यूल नहीं देना पड़ता है मीन्स पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं करना पड़ता है और ना ही हमें उसे खाना देना पड़ता है सब्जी चावल रोटी वगैरह नहीं देनी पड़ती है बट सिंपली क्या करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन कौन सा इसमें से मशीन नहीं है तो टेलीविज़न भी मशीन है और कैलकुलेटर भी मशीन है तो इसमें से पूछा है कौन सा मशीन नहीं है तो एप्पल क्या है मशीन नहीं है तो इसमें जो नहीं है वो बताना है कि करेक्ट आंसर जो नहीं है वो बताना है मीन विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन मशीन नहीं है उस पर हमें टिक करना है राइट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन अब इसमें बताना है कि कौन सा मशीन है प्लांट्स भी मशीन नहीं है और फ्लावर्स भी मशीन नहीं है तो टेलीविजन क्या है मशीन है जिसका हम यूज करते हैं अपने फेवरेट कार्टून्स को देखने के लिए मूवीज को देखने के लिए इसका हम यूज करते हैं पॉइंट नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू प्ले गेम्स गेम्स को प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स का हम यूज़ नहीं करते हैं मोटरसाइकिल का भी यूज़ नहीं करते हैं मोटरसाइकिल से हम ड्राइविंग के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू गो वन प्लेस टू अन अदर प्लेस देन वी यूज़ अवर बॉय और मोटरसाइकिल सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग सो आर करेक्ट आंसर इज इफ यू वॉन्ट टू प्ले गेम्स देन वी यूज़ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर स्टूडेंट अगर फिल नहीं है एक्सरसाइज तो आप फिल कर सकते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर इज अ मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजियर कंप्यूटर कौन सी मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है नेक्स्ट है कंप्यूटर इज एन मशीन किस तरीके की मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बिकॉज इट रनस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक कंप्यूटर कभी गलतियाँ नहीं करता और क्या है कंप्यूटर रनस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है नेक्स्ट है हमारा ट्रूफॉल्स मशीन्स मेक आवर वर्क इजी इजीस मशीन ने हमारे काम को आसान कर दिया है तो ये ट्र्यू है मशीन हमारे काम को करने में मदद करती हैं और हमारा काम और आसान हो जाता है पॉइंट नंबर सेकेंड अ कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन कंप्यूटर एक मशीन नहीं है अगर कंप्यूटर मशीन नहीं है तो फिर क्या है बेसिकली कंप्यूटर एक मशीन है तो ये यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज कंप्यूटर क्या है एक मशीन है अगर यहाँ पे होता कंप्यूटर मशीन तो फिर ट्रू हो जाता और अगर कंप्यूटर दिया है नॉट कंप्यूटर मशीन नहीं है तो फॉल्स है थर्ड दिया है अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू आवर होमवर्क कंप्यूटर हमें होमवर्क करने में हेल्प करता है हाँ स्टूडेंट हेल्प करता है बिकॉज अगर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही है हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो हम कंप्यूटर से अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट है अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लो कंप्यूटर अपने काम को स्लो नहीं करता है वेरी फास्ट स्पीड में करता है सो इट इज़ फॉल्स राइट नाउ हेयर जंबल वर्ड्स जंबल वर्ड्स हैं फर्स्ट में आपका कंप्यूटर है सेकेंड में आपका डिसीजन है कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता है खुद फिर है स्टोरेज कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में स्टोरेज होता है डेटा को स्टोर कर सकता है फिर मूवीज हैं यहां से आपको वर्ड्स को फाइंड आउट करना था आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे अगर नहीं किए तो यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे आज हम लोग ने चैप्टर वन और चैप्टर टू डिस्कस किया है ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो स्टूडेंट बिफोर एग्ज़ाम यू शुड वॉच एट लीस्ट वन टाइम अगेन एक बार आप फिर से देख लेंगे तो आपका एक रिविज़न और हो जाएगा ये मैंने एक मैराथन सेशन ले लिया था बेसिकली मैराथन मीन्स जिसमें लंबा डिस्कशन हो जाए या फिर जिसमें ज़्यादा डीपली आपको चीज़ें समझा दी जाएँ तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें भी हम कंबाइंड सेशन की बात करेंगे थ्री और फोर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और उसको भी आप इसी तरीके से देखिएगा थैंक यू बाय टेक केयर सी यू